हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ वी माई कैट एपिसोड 7 की। ऑलरेडी फ्रेंड, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एपिसोड 6 के लास्ट में देखा था कि किस तरीके से पिपरमेंट को चोट लग जाती है, उसके मुंह से ब्लड आ जाता है, वहीं पे वो बेहोश हो जाती है, उसे प्रिंस लेके घर आता है। वहाँ पे ये सीन हम लोगों को देखने को मिला था। नेक्स्ट सीन हम लोगों की स्टार्ट होती है एपिसोड 7 की एक रोमांटिक सीन से, जहाँ प्रिंस पिपरमेंट को अपनी बाहों में हग किया हुआ रहता है और उसे वो बोलता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही भाव खा रही हो, समझी? इसलिए ज्यादा मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और पिपरमेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है एग्जैक्टली। प्रिंस बोलता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरे साथ आती हो तो पता नहीं तुम्हारा मुंह क्यों अजीब टेढ़ा मोड़ा बन जाता है, और बाकी लड़कों के साथ तुम इतनी हंसती मुस्कुराती रहती हो जिसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। जैसे ही पिपरमेंट जाने वाली होती है, बस वैसे ही फ्रेंड एक रोमांटिक सा हग होता है, प्रिंस उसे अपनी ओर खींच लेता है, पिपरमेंट उसके पास आ जाती है और उसे धीरे से एक ब्रेसलेट, बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट होता है, वो उसे पहनाता है और वो ब्रेसलेट एक बेल टाइप का ब्रेसलेट होता है। प्रिंस बोलता है अगर तुम कोई भी डेंजर में होगी या डेंजर जोन में तो ये बेल आवाज़ होगी, जिससे मुझे 10 मीटर दूर मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देगी और वैसे ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा और तुम्हें उन सारे चीज़ों से बचा लूँगा। पिपरमेंट ये सुन के फ्रेंड बहुत ही प्यार से स्माइल करती है, अपनी आंखों को नीचे झुका के। पिपरमेंट बोलती है प्रिंस को, आर यू केयरिंग फॉर मी? तो बोलता है प्रिंस की हाँ, मैं तुम्हारी केयर ही कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। ये सुन के पिपरमेंट काफी खुश हो जाती है और फिर वहां से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये सारी जो रोमांस हो रही थी वो प्रिंस सोच रहा था, क्योंकि वहां पे बेड पे पिपरमेंट लेटी हुई थी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वहां पे सारे लोग आए हुए थे राज के, और पिपरमेंट को डॉक्टर चेक कर रहा था। तो उस डॉक्टर कहता है कि इसकी पूरी बॉडी कोल्ड हो चुकी है, जिसके वजह से अगर इसे 3 दिन में होश नहीं आया तो ये कोमा में जा सकती है। सारे लोग एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं और वहां पे काफी इमोशनल सीन हो जाता है प्रिंस के लिए। प्रिंस काफी टेंस में चला जाता है, जिसके वजह से वो पिपरमेंट को वो ब्रेसलेट और वो रोमांस वो सारी चीजें सोच रहा होता है। उसे लगता है कि एकदम वो पूरी तरह से वो टूट जाता है, दिमाग उसका काम नहीं करता है। तो प्रिंस पूछता है कि क्या वो कभी ठीक नहीं होगी? तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ जिसे आपको पिलाना होगा, कंटिन्यू उसे औषधि को पिलाना होगा। अगर इन 3 दिनों में इसकी होश आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रिंस काफी टेंशन में चला जाता है। प्रिंस कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लिटिल मिंट को अपनी ठीक करके रहूंगा, उसे 3 दिन में होश में आना होगा, देखता हूँ कैसे नहीं आएगी, उसे मैं होश में ला के रहूंगा, मैं उसे दूर खुद से नहीं कर सकता हूँ, ये बोलता है। फिर वहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा, सारे लोग चले जाते हैं। यहाँ तो पिपरमेंट पूरी तरह से बेहोश पड़ी होती है, भी होश नहीं होता है, तो उसे मेडिसिन कैसे खिलाए ये प्रिंस सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे प्रिंस के माइंड में एक आइडिया आता है, प्रिंस अपना औषधि अपने होंठ में लेता है, उसी होंठ से वो पिपरमेंट के होंठ में डालता है। बहुत ही रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा केयर करता है, 1 सेकंड भी उसकी नज़रों से वो दूर नहीं होता, हर वक्त उसके पास बैठा रहता है, उसका हाथ पकड़ता है, कभी कभी उसे सहलाता है कि प्लीज़ आ जाओ वापस, प्लीज़ मत जाओ मुझसे दूर, मुझे माफ़ कर दो, बहुत बोलता है, वो काफ़ी रोता भी है। उसके बाद ऐसे दिन पे दिन जाए जाते हैं। सडनली कुछ टाइम के बाद उसे पिपरमेंट को हल्की हल्की होश आती है, तो अपनी धीरे धीरे ओपन आई करती है, तो देखती है कि प्रिंस उसके बगल में सोया हुआ है, उसका हाथ पकड़ के वो सोच रही होती है कि ये यहाँ है और ये मेरा इतना केयर कर रहा था और 1 सेकंड के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुआ, देखो तो इसका चेहरा कितना सूज गया है। वो पिपरमेंट प्रिंस को देख के बोल रही थी और काफी सैड भी थी।
सैड इसलिए थी कि वो हमेशा बोलती रहती थी कि ये डेविल कैट है, बट ऐसा कुछ नहीं था, ये कितना क्यूट कैट है। वो अपने दिल ही दिल बड़बड़ा रही होती है, किसने मेरा इतना ख्याल रखा, पता नहीं कोई और होता वो रखता भी कि नहीं रखता जितना इसने रखा, और मैंने इसके साथ कितना बहुत ही गंदा बिहेवियर किया, बहुत कुछ वो बोल रही थी। तभी वहाँ पे प्रिंस की आंखें खुल जाती है और कहता है कि अरे तुम्हें होश आ गया, तुम उठी क्यों, क्यों उठी तुम, बोलो, अभी तो तुम सो रही थी, तुम्हें नहीं पता कितनी तुम्हें गहरी चोट लगी। वो बहुत चिल्लाने लगता है पिपरमेंट पे। पिपरमेंट बोलती है अरे मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तो कहता मैं क्या कर रहा था, तो प्रिंस बोलता कि छोड़ो ना, मैं क्या कर रहा था, चलो चुपचाप से ये मेडिसिन पियो। तो कहती कि मुझे नहीं पीना है, ये बहुत ज्यादा कड़वा होता, मुझे बिल्कुल नहीं पीना। तो कहता है प्रिंस की लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो वैसे ही फ्रेंड वो पहले की तरह करता है, वो तो सो रही होती है, जब वो बेहोश होती है तो उसे तो पता नहीं होता है कि उसे दवा कैसे जा रही थी। तो वही ट्रिक अपनाता है हमारा प्रिंस, वैसे ही अपने होंठ में लेता है और पिपरमिंट को पकड़ता है और उसे एक जोरदार किस करता है और उसे वो सारा मेडिसिन पिला देता है। तो पिपरमिंट बड़ी बड़ी अपनी आंखें निकाल देती है और प्रिंस बोलता है हाँ अब ये ठीक है, अब इसे पी के ना तुम्हारा जल्दी ही तबीयत ठीक हो जाएगा। और पिपरमिंट बहुत ज्यादा फ्रेंड एकदम वहाँ पे जो सीन है देखने में बहुत ज्यादा मजा आया है। पिपरमिंट वहाँ पे कुछ समझ नहीं सकती है, कहती है कि मुझे 3 दिन तक यानी कि इसने ऐसे ही मेडिसिन दिया है। वो ये सोच रही होती है तो प्रिंस बोलता है कि क्या सोच रही हो, ज्यादा सोचो मत, जो तुम सोच रही हो तो मैं वही कर रहा था, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तुम्हें मेडिसिन पिलाने के, जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा, इसलिए मुझे गलत मत लो। वहाँ पे वो सीन कट होती है, नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा सारे लोग, वो प्रिंस, प्रिंसेस, यहाँ पे प्रिंस, पिपरमेंट, उसका भाई, सब लोग बैठे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो भी प्रिंस होता है फ्रेंड जिसे ऑलरेडी पिपरमेंट से पहले जिसने मारा होता है, वो भी ठीक हो जाता है। तो वो लोग सब इकट्ठा हुए रहते हैं और प्रिंस उसे रेड सॉल देता है। पिपरमेंट से देख के कहती है, काफी खुश हो जाती है। प्रिंस बोलता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं रेड सॉल दूंगा, वो भी नकली नहीं असली, तो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। पिपरमेंट उसे हाथ में उठाती है और देखती है, कहती है वाह ये कितना खूबसूरत और कितना पावरफुल होगा। तो वो जो प्रिंस होता है जिसपे पहली बार वार हुआ था, वो जैसे ही टच करने वाला होता है तो प्रिंस उसे मार देती है, कहती है कोई जरूरत नहीं है तुम्हें छूने का, चुपचाप से बैठो, नहीं तो समझ जाना तुम्हारा मैं क्या करूंगी। फिर वहां पे सब लोग हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा प्रिंस कैसे किस कर रहा होता है पिपरमिंट को। तो पिपरमिंट फ्रेंड उसे जैसे ही वो आगे आती है जल्दी से वो वही लीव दे देती है, मिंट लीव उसे दे देती है और कहती है कि सुनो पहले मैं बता दूं मैं किस करने वाली थी, लेकिन मैंने तुम्हें ये लीव खिला दिया, रीजन है क्योंकि तुम्हें पिंपल्स हुआ हुआ है बहुत बड़ा और मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती हूँ, सो सॉरी। फ्रेंड वहाँ पे बहुत फनी लुक देखने को मिलेगा, पिपरमिंट उसे दिखाती है कि देखो यहाँ पे तुम्हें हुआ हुआ है बहुत बड़ा सा पिंपल, तो समझ सकते हो मैं इतनी क्यूट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, फिर मुझे हो जाएगा तो फिर मैं कैसे लगूंगी, ये बोल के वो वहां से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा कि ये काफी परेशान हो रहा था प्रिंस की, मुझे अभी निकलना था, इतना बड़ा पिंपल्स वो मिरर में चेक कर रहा होता, कहता है मेडिसिन लगा के कि अभी तो कुछ दिन पहले मैंने उसे ट्रीट किया, अब मुझे खुद को ही ट्रीट कर रहा है, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ये भी होगा। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है पिपरमिंट बहुत बुराई कर रही होती है प्रिंस की, कि पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है, इतना कभी लगता है वो मुझसे इतना प्यार करता है, कभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, मुझे तो समझ नहीं आता, वो प्रिंसेस को बोल रही होती है जो बाहर राज की प्रिंसेस होती है और प्रिंस की फ्रेंड भी होती है। तो वो प्रिंसेस कहती है कि वो शुरू से ऐसा है, उसके बात को माइंड मत किया कर, ऐसा ही है उसका नेचर ही वैसा है, मैं उसे बच्चे से जान रही हूँ तो छोड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं वो तुमसे बहुत लव करता है, वो पिपरमिंट को बोल रही होती है। पिपरमिंट कहती है ओ, इधर हमारा प्रिंस लड़ाई कर रहा होता है, और फ्रेंड जैसे लड़ाई कर रहा होता है तो वहां जैसे ही तलवारबाजी होता है तो हमारे प्रिंस का एक बाल नीचे गिर जाता है, उस बाल को वो देखता है, कहता है कि तुम्हें पता भी है ये कितना इम्पोर्टेंट होता है बाल, वो भी इंसान के लिए, बिल्ला था फ्रेंड प्रिंस, अब प्रिंस को पता था इंसान के लिए बाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, कहता है प्रिंस कि ये एक बाल मेरी खूबसूरती का 4 चांद को तुमने नीचे जमीन पे गिरा दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बाल को काटा, अब तो इसकी सजा तुम दोनों को मिलके रहेगी। फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपने बाल को कटे हुए देख के, वहाँ पे सब लोग डर जाते हैं। वहाँ पे सीन कट होती है, नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा प्रिंस, प्रिंसेस और पिपरमिंट और उसका सेकंड जन सब लोग सवारी कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं एक जगह,
तो जैसे वो लोग जा रहे होते हैं तो प्रिंस कहता है, और बहुत उसे घुटन टाइप का फील होता है, कहता पता नहीं ये इंसान लोग भी किस तरीके से बैठ जाते हैं एक दूसरे में चिपक कर, उन्हें ज़रा सा भी इचिंग नहीं होता, पता नहीं कैसे बैठ जाते घूस घास के। प्रिंस बड़बड़ा रहा होता। पिपन बोल रही थी, क्या तुमने कुछ कहा? प्रिंस कहता नहीं नहीं बस कुछ नहीं, मैं क्या बोलूँगा, ऐसे वो बोलने लगता है। उसके बाद पिपरमिंट झांकती है कि है पर्दा हटा के, तो इतना खूबसूरत व्यू मिलता देखने को, बहुत ही खूबसूरत। वो कहती है कि कितना खूबसूरत है। सेकंड जनरल मैन कहता है कि हाँ ये जगह बहुत ही खूबसूरत है पिपरमिंट, अगर हम लोगों को टाइम नहीं होता वहाँ जाने का तो ज़रूर हम लोग यहाँ रुकते। तो पिपरमिंट बोलती है कि मुझे ये देख के याद आ गई अपने भाई की, उसे ऐसी जगह बहुत पसंद, ऐसी जगह पर जाया करते थे और एक पोएम गाया करते थे। तो सेकंड जनरल वो पोएम गाता है, तो पिपरमिंट कहती है, बहुत ही खुश हो जाती, कहती है कि हाँ यही पोएम मेरा भाई भी गाया करता था, उसे भी इसका पोएम उस राइटर का बहुत पसंद था। और सेकंड जनरल कहता है मुझे भी, पिपरमिंट कहती है मुझे भी बहुत पसंद है, चलो ना गाते हैं उसका सॉन्ग जिन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। तो यहाँ पे प्रिंस तो पूरा ज्यादा फ्रेंड इरिटेट हो चुका था और कहता था ओफो अब उसका मुझे गाना भी बेरुखा सा सुनना पड़ेगा, मेरी कान तो सुनने से पहले फट ही जाए तो अच्छा। सडनली वहाँ पे पिपरमिंट की तबीयत खराब हो जाती, हिचकी पिचकी आती है, कहते हैं प्रिंस की क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना? प्रिंस कहता है कि तुम इतनी भी अभी ठीक नहीं हुई है कि तुम पोएम गाओ, इसलिए चुपचाप से मुंह बंद करके बैठो, ज्यादा उड़ो मत तुम। तभी सडनली यहाँ पे पिपरमिंट की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से प्रिंस कहता है रुको रुको यहीं पे रुको। तो उसका कलीग कहता है क्या हुआ सर? कहता है अभी कभी गाड़ी रोको। यहाँ पे फ्रेंड ये एपिसोड एंड होती है। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।